उन्हीं से मैंने कहा था मुझे राहुल सर से मिलना है, जरूर मिलना है। मेरा मन बहुत उछल उछल के कह रहा है एक बार सर से जरूर मिलूंगा। मुझे आप सर क्यों बुला रहे हो? मैं सर थोड़ी हूँ, मेरा नाम राहुल है, आप मुझे राहुल बोलो। तो राहुल सर से मैंने कहा मैं मिलूंगा। सर नहीं बोलना। आप इतनी मेहनत करते हो, आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत मेहनत तो कर रही हूँ, मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। आज लड़ाई मेरी भगवान से खत्म हो गई है। अब भगवान की लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी मुझे इतना मुफ्लिस क्यों भेजा? मुफ्लिस भेजा तो कोई सुनने वाला भेजते जो मेरी पुकार सुनता, खाना नहीं देता, मेरे पीठ पे हाथ रख देता, मैं मेरा पूरा पेट फुल हो जाता। मगर ऐसा कोई मुझे मिला ही नहीं। आज मेरा सब दुख दूर हो गया, आप मिल गए, मुझे पूरा जहां मिल गया। पिछले दिनों आजादपुर मंडी से सोशल मीडिया पर वायरल हुए सब्जी विक्रेता रामेश्वर तो आपको याद ही होंगे। ये वही रामेश्वर हैं जिनकी आंखों के आंसुओं ने पूरे देश को रुला दिया था। लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें रामेश्वर की चेहरे की मुस्कान देखने वालों को एक अलग ही सुकून दे रही है। वजह है राहुल गांधी से उनकी ये मुलाकात, जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी बातें खोल के राहुल के सामने रख दी। उस दिन तंग होकर जिस दिन मैं मंडी में गया था, मेरे पास 1400-1500 रुपए थे, तो मैंने जब टमाटर का रेट लिया सर, तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं ले पाऊंगा। आप क्या हुआ? टमाटर बहुत महंगा है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है। तो आपका ठेला ऐसे खाली जाएगा वापस? कुछ और तो भरोगे टमाटर के अलावा? इतना पैसा नहीं है। अपनी परिस्थितियों के बारे में बताते हुए रामेश्वर एक बार फिर राहुल गांधी के सामने भावुक हो गए। रामेश्वर राहुल को बता रहे हैं कि किस तरह वो लगातार समस्याओं और कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी के साथ रामेश्वर सरकार के काम से भी नाखुश नजर आ रहे हैं। रामेश्वर का कहना है कि गरीब लगातार खत्म होता जा रहा है जबकि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जो मेहनत हो रही है, मेहनत तो सर उसका आपको फल मिल रहा है हिंदुस्तान में? मुझे तो सर कोई फल नहीं मिल रहा, मैं तो मेहनत मेहनत तो कर रही मेहनत किए ही जा रहा हूँ मैं तो। सरकारी ऐसी है सर, किसी को जब कोई सरकार वाले सुनते ही नहीं किसी की। आप लोगों ने मेरी सुनी है तो आपसे मैंने अपनी गुहार बताई है। जो गरीब है वो तो खत्म होता जा रहा है और जो अमीर है वो आबाद होता जा रहा है। यहाँ रामेश्वर वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक दोहराते हुए आए हैं। वैसे बता दें कि जब आजादपुर मंडी से रामेश्वर की रोती बिलखती तस्वीरें सामने आई थी तो बिना देर किए राहुल गांधी अगले ही दिन आजादपुर मंडी सुबह सुबह पहुंच गए थे। और इसके बाद जब लल्लन टॉप ने रामेश्वर से बात की थी तो उसमें उन्होंने राहुल से मिलने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद अब दोनों की मुलाकात की ये वीडियो राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की गई है, जिसे देख सब एक बार फिर भावुक हैं। लेकिन इस बार रामेश्वर की खुशी को देखकर, जिसमें वो अपने पसंदीदा नेता राहुल गांधी के साथ मिलकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। खाना खाएंगे आप? थोड़ा सा। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। अपने हाथ से खाना लाना। आज इनका व्रत है। व्रत है। तो फल भी अलाउ नहीं आपको? नहीं खा लूंगी। मैं लाता हूँ। आप लीजिए, आप लीजिए। जब मैंने आपका वीडियो देखा ना, हाँ सर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सोचा कि आपसे मैं जाके मंडी में मिलूं। हाँ, उस दिन दूसरे ही दिन आपको मालूम था कि मैं आपको मिलने आपको ढूंढने गया था। हाँ, दूसरे ही दिन पहुंच गए थे आप। हाँ, खाइए खाइए खाइए। वैसे मेरी जीने की इच्छा नहीं थी संसार में कतई, अब तो है। हाँ, आप साल अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। भगवान ने आशा बना तो दी है, अब आप ऐसी बात नहीं करोगे। जैसे केवट की नाव है, बीच में पड़ी थी, किसी ने धक्का लगा दिया तो पार हो गई।